सब्सक्राइब कीजिए न्यूज हिंदी टीवी इस चैनल को और साथ हमें बेल आइकॉन को भी दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। सड़क पर बिखरी चमकीली चीज मीलों तक लूटने के लिए लगी भीड़। अगर आप सुबह सुबह अपने घर से बाहर निकलें और आपको बीच सड़क पर कई लोग एक साथ कुछ बीनते मिल जाएं तो हैरान होना लाजमी है। ये नज़ारा सड़कों पर आमतौर पर नहीं देखा जाता, लेकिन आज कुछ ऐसा ही नज़ारा इंदौर में देखने को मिला। दरअसल सनावद के बलवाड़ा में सुबह कई किलोमीटर तक लोग सड़क पर कुछ बीनते नजर आए। जब पूछा गया तो पता चला कि चांदी की बारिश हुई और वो इसे बीन रहे हैं। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर चांदी बीनते लोग। खबर के अनुसार बता दें कि सुबह इंदौर इच्छापुर हाईवे पर बलवाड़ा निस्तारी तालाब से चोरल गांव तक सड़क किनारे चांदी जैसी वस्तु बिखरी पड़ी थी। चांदी के जैसे चमक रही मोतियों को लोग चुनने के लिए लाइन लगाकर सड़क पर ही बैठ गए थे। हाईवे पर ये नज़ारा देखने जो भी रुका, कुछ देर बाद वह भी सड़क पर पड़े चांदी के उन्हीं दानों को उठाता नजर आया। घाट में ट्रकों की आवाजाही के बाद लोग जान हथेली पर रख सड़क पर भागते रहे। बिखरे पड़े थे चांदी के दाने। इतना ही नहीं, लोगों को इस प्रकार सड़क फैले देख यहां से गुजरने वालों ने भी गाड़ियां रोक दी। रुकने के बाद जब उन्हें चांदी के बिखरे होने की बात पता चली तो वे भी सड़क पर दौड़ पड़े। महिलाएं, बच्चे, बड़े सभी चांदी बीनते दिखे। इस कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइन लग गई। आवागमन वालों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। यात्रियों ने बताया कि वो इंदौर जा रहे थे। सड़क पर ऐसा नजारा देख एक से पूछा तो उसने बताया कि सड़क पर चांदी बिखरी है जिसे लोग बीन रहे हैं। पुलिस भी हुई सतर्क। इस बीच घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को हटाने की कोशिश की जिससे कोई हादसा ना हो। चांदी बीनने के चक्कर में कई बार सड़क पर जाम की स्थिति बनी।